Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Ruby College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the criteria for selection of media and technology in any multimedia package. Educational technology, जब शैक्षिक तकनीकी पढ़ते हैं हम लोग तो उसमें ये टॉपिक होता है आपका मल्टीमीडिया एंड हाउ टू सेलेक्ट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फॉर योर मल्टीमीडिया पैकेज. तो जनरली हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन हम नहीं तैयार करके जाते हैं, मल्टीमीडिया के बारे में तो थोड़ी बहुत हमें जानकारी होती है. क्या है मल्टीमीडिया? मल्टी मीन्स बहुत और मीडिया माने कोई भी मीडिया आप यूज कर रहे हैं. तो मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मीडिया टाइप, सच एज टेक्स्ट हो सकता है उसमें अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक, सिंबल्स चिन्ह हो सकते हैं, इमेजेस चित्र हो सकते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो वीडियो एनिमेशन हो सकता है, यूजुअली विद द एड ऑफ टेक्नोलॉजी. हमने सब तकनीकी की सहायता से जोड़ रखा है टू इनहेंस. सब क्यों जोड़ा है? उसका उसके पीछे लॉजिक है कि हम अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन बढ़ा सकें. देखिए, कोई चीज हमको चित्र के रूप में मिलती है, पिक्चर फॉर्म में मिलती है, एनिमेशन के फॉर्म में मिलता है, तो मस्तिष्क में हमारे उसकी रिटेंशन बढ़ जाती है. क्यों? सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज. क्यों? क्योंकि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं वो ज्ञान के द्वार हैं. तो जितनी ज्यादा ज्ञान इंद्रियां हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, हम फील करेंगे, टच करेंगे, टेस्ट करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो हम जल्दी ज्यादा अच्छा बेहतर सीखते हैं. तो द एक्सप्रेशन मल्टीपल मीडिया इज दस यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन ऑफ, हमने जोड़ लिया है. क्या जोड़ा है? वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. संप्रेषण के बहुत सारे तरीके जोड़े हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, वीडियो ब्रॉडकास्ट हो सकता है, ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, कंप्यूटर्स, फेस टू फेस कॉन्टेक्ट एंड सो. ये तो हुआ आपका मल्टीमीडिया पैकेज. अब हमसे जो पूछा जाएगा, जो मेन हमसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, वो क्राइटेरिया ऑफ मीडिया सिलेक्शन. हम कैसे चुने कि कौन सा मीडिया कहाँ इस्तेमाल करना है? तो डिसिको एंड क्रॉफर्ड ने 1977 में हमको तीन आधार बताए कि ये आधार आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप मीडिया का सिलेक्शन कर लीजिए. सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया, मतलब कि जो मीडिया आप यूज करने जा रहे हैं वो उसकी उपलब्धता हो, इतना रेयर ना हो, इतना मुश्किल ना हो कि हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी अवेलेबिलिटी ईजी होनी चाहिए. दूसरी बात, an analysis and design of the instructional system, that is how to develop a course of instruction with full utilization of a wide range of media. यानी कि जो भी हमको पढ़ाना है, instruction हमको जो देना है, उसमें ये पता हो कि हमको क्या पढ़ाना है, उसका analysis, उसकी design हमारे पास हो, ताकि wide range of media में से हम चुन लें कि ये हमारे लिए best suitable होगा. और knowledge of research findings on the effectiveness of the media, और ये भी हमारे पास होना चाहिए कि किस मीडिया के इस्तेमाल से जो कितना इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इसका हमारे पास डेटा होना चाहिए कि इससे ऑडियो से इतना बढ़ जाएगा, वीडियो से इतना बढ़ जाएगा, यानी इफेक्टिवनेस ऑफ मीडिया की रिसर्च फाइंडिंग्स का ज्ञान हमें होना चाहिए. तो हम ये ध्यान दे रहे कि मीडिया उपलब्ध है कि नहीं, हमारे इंस्ट्रक्शनल सिस्टम को कौन से मीडिया की जरूरत है, और जो मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रभावी होगा कि नहीं. इन तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम मीडिया का सिलेक्शन कर सकते हैं. राउंडट्री ने कहा, कुछ उन्होंने अलग फैक्टर्स बताए, उन्होंने कहा इनको देख लीजिए तो आपका इंस्ट्रक्शनल मीडिया का सिलेक्शन आसान हो जाएगा. जैसे कंटेंट, पढ़ाने क्या जा रहे हैं, सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे, स्टिमुलस मोड और मीडियम क्या होगा. तो उन्होंने कैटेगरी को तीन भागों में बांटा. उन्होंने कहा तीन आधार आपके पास होने चाहिए. इंस्टीट्यूशनल बेसिस, यानी जो आपका संस्थागत आधार क्या है, विद्यार्थी का आधार क्या है, और तकनीकी का आधार क्या है. तो संस्थागत आधार में मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, आप एकदम बेकार नहीं सही, मतलब पुअर है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप मीडिया सिलेक्शन का कोई अर्थ नहीं है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, फाइनेंशियली आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो मजबूत होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए, कोर्स वेयर एक्सेट्रा होगा, तभी तो आप मीडिया इस्तेमाल कर पाएंगे. तो ये संस्थागत आधार हो गए. विद्यार्थी का आधार, यानी कि कौन से विद्यार्थियों के लिए बनाने जा रहे हैं आप, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं आपके पढ़ाने के, किस प्रकार के लर्निंग एनवायरनमेंट में आप ये शिक्षा देने जा रहे हैं, विद्यार्थी सीखने के लिए रेडी है कि नहीं, मोटिवेशन का क्या लेवल है, पर्सनैलिटी क्या है उनकी, ये सब ध्यान में रखते. कि बच्चों को पढ़ाना है तो आपके लिए वीडियो बढ़िया रहेगा, पर एडल्ट है तो उसके लिए ऑडियो भी चलेगा, इस तरह से, है ना. फिर टेक्नोलॉजी का बेसिस, यानी कि तकनीकी का आधार क्या होगा. अवेलेबिलिटी सबसे पहले देखिए, वो उपलब्ध है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी उस तक आपकी पहुंच है कि नहीं, कंपेटिबिलिटी आप उसके लिए, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ आप सिस्टम यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जटिल तो नहीं है, और इफेक्टिवनेस प्रभावी, उसका प्रभाव पूर्ण है कि नहीं, इतना हम ध्यान देंगे तब हमको मीडिया का सिलेक्शन करना चाहिए किसी भी मल्टीमीडिया पैकेज में इन अकॉर्डिंग टू राउंड ट्री. फिर एक बड़ा फेमस सेक्शंस मॉडल चलता है.
कि आप ये एब्रिविएशन याद कर लीजिए सेक्शंस, और इसी हिसाब से चुन लीजिए अपना मीडियम। कैसे? सेक्शंस में एस फॉर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस विद्यार्थी के, किस लेवल के विद्यार्थी के लिए आप ये बनाने जा रहे हैं। दूसरा, ईज ऑफ यूज, वो यूज करने में ईजी होना चाहिए। तीसरा, सी फॉर कॉस्ट, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। चौथा, टी, टीचिंग फंक्शन, मतलब कि मेन मीडिया इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ताकि हम बेहतर पढ़ा सके, तो वो पढ़ाने के लिए यूज में आना चाहिए। आई, इंटरैक्शन, यानी विद्यार्थी से आपका इंटरैक्शन उससे बेहतर होना चाहिए, तब आप उसको यूज करेंगे। ओ, ऑर्गेनाइजेशन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, हम इसका फाइनेंस देने के लिए तैयार हैं। एन, नेटवर्किंग, उससे नेटवर्किंग बेहतर हो जाए। एंड एस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यानी कि वो सिक्योर हो, वो जो भी आप मीडिया इस्तेमाल करें वो प्राइवेसी भी हो, ये नहीं कि कोई भी उसमें जाके कोई भी चेंज कर दे रहा है या डेटा लीक हो जा रहा है, हैक हो जा रहा है, ये सबसे वो परे होना चाहिए। तो ये सेक्शंस मॉडल याद कर लीजिए, इस हिसाब से आप मीडिया चुन लीजिए। या कुछ और है पीछे कवर नहीं हुए, जैसे पेडागॉजिक इफेक्टिवनेस, यानी कि निश्चित रूप से जो मीडिया आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से प्रभावी होना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ाने से आपका, उसको यूज करने से आपका शिक्षण प्रभावी जरूर होना चाहिए, तभी आप उसको इस्तेमाल करेंगे, वो उपलब्ध हो, उस तक पहुंच हो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो, ये नहीं है कि बहुत महंगा है और इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं है तो आप उसको मत यूज कीजिए। यूजर फ्रेंडलीनेस, आसानी से आप भी इस्तेमाल कर सके, आपका स्टाफ इस्तेमाल कर सके, आपके स्टूडेंट समझ सके। ट्रेंड ह्यूमन पावर हो आपके पास, ऐसा नहीं हो कि पूरे संस्थान में सिर्फ आप हैं जिसको वो इस्तेमाल करने आता है, देन इट इज नन गुड फॉर नन। एंड हार्डवेयर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी या सारे, जिस हिसाब से एग्जामिनेशन में पूछा जाए, पर आपका माइंडसेट, इंस्टीट्यूशनल बेसिस, टेक्नोलॉजी का बेसिस, स्टूडेंट का बेसिस, पेडागॉजी इफेक्टिवनेस, ये सारा कुछ ध्यान में रखकर ही मीडिया चुनेंगे। मतलब मीडिया सिर्फ चुनने के लिए नहीं चुनेंगे कि ठीक है हमने कई सारे मीडिया जोड़ के हमने एक मल्टीमीडिया पैकेज बना लिया, नहीं, ये सब आप इंटीग्रेशन इस हिसाब से करेंगे कि आपकी पेडागॉजी इफेक्टिव हो जाए। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन एनी मल्टीमीडिया पैकेज। आई हैव डन इट, थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।